अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ उसामा आरिफ और आज हमारी रिविट आर्किटेक्चर की तीसरी क्लास है। आज की क्लास में हम देखेंगे कि हम फ्लोर किस तरह से क्रिएट करते हैं और साथ साथ हम देखेंगे कि जब हम वॉल बना रहे होते हैं तो उसमें लोकेशन लाइन किस तरह से काम करती है। थोड़ा सा वॉल को भी डिस्कस करेंगे फ्लोर के साथ। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। अब अगर आप मेरी स्क्रीन पे देखें तो हमने लास्ट टाइम वॉल डिस्कस की थी कि हम वॉल किस तरह से क्रिएट करते हैं। आज हम फ्लोर को डिस्कस करेंगे कि हम फ्लोर किस तरह से क्रिएट करते हैं। बाकी जितने ऑप्शन आपको ये नज़र आ रहे हैं हम इंशाल्लाह आगे चल के इनको भी डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से इन पे काम करते हैं। आज के लिए हम फ्लोर पे काम करेंगे। अच्छा, फ्लोर पे जब मैं आता हूँ यहाँ पे तो देखें, इधर मेरे पास एक नीचे एरो का भी ऑप्शन ये दे रहा है। अगर आप इस एरो पे क्लिक करते हैं तो देखें यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन दे रहा है कि आपने किस कैटेगरी में अपना जो है वो फ्लोर को क्रिएट करना है। हम क्योंकि आर्किटेक्चर पर काम कर रहे हैं तो हम यहाँ से भी आर्किटेक्चर फ्लोर ले सकते हैं, या मैं जस्ट इसके ऊपर आके इस बॉक्स के ऊपर जो ऊपर मुझे नज़र आ रहा है इस पर अगर मैं क्लिक करता हूं तो देखें ये बाय डिफॉल्ट मेरे पास आर्किटेक्चर फ्लोर ही खोलेगा, क्योंकि मैंने अपनी स्टार्ट में जो है फाइल वो आर्किटेक्चर टेम्पलेट पे ही ओपन की थी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखें, इसने मेरे पास जिस तरह से वॉल की जो है प्रॉपर्टीज दिखाई थी इसी तरह यहाँ पर ये मेरे पास फ्लोर की कैटेगरीज भी मुझे दिखा रहा है। देखें बाय डिफॉल्ट इसने बहुत सारे फ्लोर जो है वो क्रिएट किए हुए हैं। आप चाहें तो इसकी कोई भी टाइप यूज कर सकते हैं, बट मैं आपको वही सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी टाइप बनाइएगा डुप्लीकेट करके, कोई भी आप इसकी जेनेरिक वाली टाइप सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे आके एडिट टाइप में जाएं। जिस तरह से हमने वॉल डुप्लीकेट की थी उसी तरह से आज हम इसका फ्लोर भी डुप्लीकेट करेंगे। देखें यहाँ पे डुप्लीकेट का ऑप्शन आ रहा है। इधर आप देखें तो वही सारे ऑप्शन जो बाहर आपको इधर दिखा रहा था वही यहाँ पर भी मुझे दिखा रहा है। मैं इधर जस्ट आके सिंपल डुप्लीकेट करता हूँ। डुप्लीकेट करके देखें मैं अपना फ्लोर का नाम देता हूँ इसको फ्लोर, मैं 6 इंच का फ्लोर यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है, अच्छा मैं ओके करता हूँ। ठीक है, ओके करने के बाद देखें जिस तरह मैंने एडिट में जाके यहाँ पे इसको थिकनेस बताई थी उसी तरह मैं यहाँ पे फ्लोर में भी बताऊंगा जिस तरह मैंने वहाँ वॉल में बताई थी। अच्छा देखें, आप सिंपल यहाँ पे एडिट पे क्लिक करें और यहाँ पे आके देखें इसने, मैंने क्योंकि 12 इंच वाला फ्लोर जो है उसको लेके डुप्लीकेट किया था तो इसने उसकी थिकनेस जो है 1 फिट की हुई है। आप यहाँ से आगे इसको 6 इंच कर दें। ठीक है, अब अगर आप यहाँ देखें तो आपकी यहाँ पर एक टाइप भी बन चुकी है जिस तरह से हमारी वॉल में बनी थी। यहाँ पे आपकी आ गई है टाइप फ्लोर 6 इंच और यहाँ पे अगर आप इसकी थिकनेस देखें तो यहाँ पर भी 6 इंचेज आ रही है। ठीक है, एडिट में जाके आप यहाँ भी देख सकते हैं कि आपकी फैमिली जो है वो फ्लोर की है, टाइप जो है फ्लोर 6 इंचेज है, उसकी टोटल जो थिकनेस बता रहा है वो आपको 6 इंच बता रहा है। यहाँ से भी देख सकते हैं और आप बाहर से भी देख सकते हैं। अच्छा मैं एक काम और कर रहा हूँ, यहाँ पे एक फ्लोर मैंने 6 इंच का बनाया है और मैं एक और डुप्लीकेट करता हूँ और मैं बना देता हूँ इसको फ्लोर 9 इंच का। ठीक है, मैं 9 इंच का फ्लोर बना देता हूँ और ओके करता हूँ। एडिट में जाता हूँ, यहाँ पे आके इसकी थिकनेस 9 इंच करता हूँ। ठीक है, ओके कर देता हूँ। ठीक है, इसी तरह एक और मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे फ्लोर 12 इंच का कर लेता हूँ। ठीक है, ओके कर देता हूँ। ठीक है, इधर आके एडिट में जाके इधर मैं इसको 12 इंच कर देता हूँ। ठीक है, मैं ओके करता हूँ। देखिए मैंने ये 3 टाइप्स क्यों बनाई हैं यहाँ पे, मैं बेसिकली एक बात आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि देखें यहाँ पर जो मेरी ये 3 टाइप्स थी ये इसकी सारी टाइप्स के अंदर जो है वो मिक्स हो गई हैं। ठीक है, मुझे अब अगर अपना कोई फ्लोर टाइप ढूंढनी है तो मुझे यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा, या अगर मैं कोई और नाम देता हूँ तो मुझे ढूंढना पड़ेगा कि मेरी वाली जो फ्लोर की टाइप है वो कौन सी है। ठीक है, तो इसका एक आसान हल ये है कि आपने अगर अपने वाले फ्लोर की टाइप्स जो हैं उसको सॉर्ट आउट करना है, उसको अलग करना है इसकी बाय डिफॉल्ट वाली टाइप से, तो आपने करना क्या है कि अगर आप अपने सारे फ्लोर्स के साथ जिस तरह मैंने आपको लेवल्स में बताया था, अगर मैं यहाँ आके रिनेम कर लूँ, जिस तरह मैंने लेवल्स में बताया था कि आप 1, 2, 3 की सीरीज चला लेंगे, उसी तरह हम यहाँ पर फ्लोर में भी हम कर लेते हैं कि अगर मिसाल के तौर पे मैं 1 फ्लोर 6 इंचेस कर लूँ। ठीक है, ओके कर दूँ। इसी तरह मैं इधर आके 9 इंच वाला जो इसके आगे भी मैं इसको रिनेम कर लेता हूँ, यहाँ से 1 लिख के ओके कर दूँ। ठीक है, इसी तरह मैं अपना जो 12 इंच वाला है इसके आगे भी मैं लगा दूँ 1 और ओके कर दूँ। तो अब अगर आप देखें तो मेरी सारी टाइप्स जो हैं वो टॉप पर आ रही हैं, इसकी टाइप से सॉर्ट आउट हो चुकी हैं, सारी टाइप्स मेरी टॉप पर हैं, बाकी इसकी जो है वो सारी नीचे नज़र आ रही है मुझे। ठीक है, मैंने सब के आगे 1 लगाया है, 1, 2, 3 की सीरीज़ नहीं चलाई। उसका रीज़न ये है कि अगर मैं 1, 2, 3 की सीरीज़ चलाऊंगा तो जब मैं बहुत सारे फ्लोर्स बना लूंगा तो मुझे बार बार आगे देखना पड़ेगा कि इस वक्त मैं कितनी टाइप्स बना चुका हूँ, 10, 12, 14 कितनी बना चुका हूँ, तो उसके आगे का नंबर देना पड़ेगा। सिंपल अगर मैं 1-1-1 लगाता जाऊँ सबके साथ तो मेरी सारी टाइप्स जो हैं वो टॉप पर आ जाएंगी, इसकी जो है सारी वो नीचे रहेंगी। तो मैं ईजिली अपनी जो भी टाइप्स मैंने बनाई हुई है मैं उनको सर्च कर सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ से फ्लोर 6 इंचेज लेके, ठीक है, क्योंकि मैंने उसकी थिकनेस भी 6 इंच रखी हुई है तो यहाँ वो मुझे 6 इंच दिखा रहा है। मैं ओके करके ठीक है बाहर आता हूँ। ठीक है, अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है,
वही सारे ऑप्शन मुझे यहाँ पे दे रहा है वो क्रिएट करने वाले। मैं चाहूँ तो अपना लाइन से भी क्रिएट कर सकता हूँ अपने किसी भी फ्लोर को, ठीक है, मैन्युअली भी बना सकता हूँ और चाहूँ तो डायमेंशन लिख के भी इसको बता सकता हूँ कि मुझे 10 फीट की यहाँ पे एक लाइन लगानी है, ठीक है। इस तरह भी आप बना सकते हैं, आप चाहें तो रेक्टेंगुलर शेप लेके भी बना सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट शेप्स हैं, आप ट्राई कर लीजिएगा जिस तरह भी आपको बनाना है। अब मैं यहाँ पे एक जो है 10 फीट बाई 10 फीट का एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ, ठीक है, बेसिकली फ्लोर बना लेता हूँ। अच्छा, मैंने देखें क्या किया, मैंने सिंपल एक रेक्टेंगल लेके यहाँ पे एक जस्ट रेक्टेंगल क्रिएट कर दिया। मैं चाहूँ तो बाद में भी इसको सेट कर सकता हूँ अपने डायमेंशन को कि मुझे 10 फिट ये चाहिए, ठीक है, और 10 फिट ये चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि आप वर्टिकल लाइन को सिलेक्ट करेंगे तो देखिए वो आपको हॉरिजॉन्टल डायमेंशन देगा कि आपको हॉरिजॉन्टली कितना आपको जो है अपनी विड्थ चाहिए फ्लोर की, ठीक है। सिमिलरली आप हॉरिजॉन्टल लाइन को सेलेक्ट करेंगे तो वो आपको बताएगा कि आपको वर्टिकली कितना अपनी जो है फ्लोर की विड्थ चाहिए, ठीक है। इस तरह से आप अपने फ्लोर की जो है वो विड्थ इस तरह भी सेट कर सकते हैं, चाहे तो बनाते वक्त भी आप उसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। मैं अपना फ्लोर क्रिएट करने के बाद देखें यहाँ से सिंपल चेक लगा रहा हूँ, ठीक है, और मेरा देखें फ्लोर क्रिएट हो गया। बट हमने एक चीज़ का ख्याल नहीं करा कि हम किस लेवल पर अपने फ्लोर को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। मैंने सिंपल इसको आते ही बना दिया था, देखें वो इस वक्त ग्राउंड फ्लोर पर बना हुआ है, ये मेरी वही पुरानी वाली फाइल है। तो यहाँ पे देखें मेरे पास वो पुराने वाले लेवल्स क्रिएट हुए हैं। मैं चाहूँ तो बाद में बनाने के बाद भी इसको किसी फ्लोर पे इसको मूव कर सकता हूँ, ठीक है। मैं इसको फर्स्ट फ्लोर पे कर देता हूँ तो देखिए यहाँ से वो गायब हो चुका है क्योंकि मैं इस वक्त ग्राउंड फ्लोर में मौजूद हूँ और मैंने फ्लोर को जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे मूव कर दिया, ठीक है। मैं अंडू करके फ्लोर को दोबारा से ग्राउंड फ्लोर पे ले आता हूँ, ठीक है। और अगर मुझे दोबारा से इस फ्लोर को एडिट करना है तो मैं इसको सिंपल सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से आके देखें आपके पास ऑप्शन आ रहा है एडिट बाउंड्री का, आपने जस्ट एडिट बाउंड्री पे क्लिक करना है। अब आपको इसमें कोई मॉडिफिकेशन करनी है तो वो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ का ख्याल कीजिएगा कि आपकी जो भी लाइन्स के कॉर्नर्स बन रहे हैं वो आपस में ज्वाइन हुए हुए हों। अगर मैं इसको थोड़ा सा देखें यहाँ से ज्वाइन ना करूं, थोड़ा सा दूर कर दूं, डिटैच कर दूं इससे, तो देखें दूर से तो आपको लग रहा है कि आपका जो फ्लोर है वो कंप्लीट बना हुआ है, सारे कॉर्नर जो हैं वो ज्वाइन हुए हैं। बट अगर मैं जूम करके देखूं तो ये वाला कॉर्नर जो है आपका क्लोज नहीं हुआ हुआ प्रॉपरली। तो अब अगर आप इसको फिनिश करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपके पास एक वार्निंग टैब उसने दे दिया, यहाँ पे वो आपको मेंशन कर रहा है आपकी लाइंस जो हैं वो आपस में क्लोज नहीं हुई हुई। देखें यहाँ पर वो आपको दो डॉट्स भी शो कर रहा है, हाईलाइटर्स बेसिकली शो कर रहा है आपको, आप यहाँ से भी जाके देख सकते हैं। और अगर आपको वो नहीं नज़र आ रहे हो हाईलाइटर्स तो आपने यहाँ पर जस्ट शो पर क्लिक करना है तो देखें वो आपको जूम इन करके दिखा देगा कि किस जगह पर आपकी लाइन्स के जो कॉर्नर्स हैं वो ज्वाइन नहीं हो रहे। तो आपने जस्ट इस पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है और यहाँ पर आके अपने इस कॉर्नर को ज्वाइन कर लेना इस तरह से, ठीक है। और यहां से आके आप इसको फिर फिनिश कर लेंगे तो देखें आपका वो फ्लोर बन चुका है। अगेन मैं एडिट बाउंड्री कर रहा हूं। अब देखें अगर मैं इस फ्लोर के अंदर कोई वॉइड काटना चाह रहा हूं तो देखें इस फ्लोर के अंदर ही मैं एक और रेक्टेंगल बना लूं या मैं कोई सर्कल बना लूं इस तरह से, देखें जो इस बाउंड्री के अंदर मैं जो चीज बनाता जाऊंगा एक और बाउंड्री क्रिएट करूंगा नहीं तो देखें वो उसको वॉइड की सूरत में काट देगा। अब अगर मैं यहां से इसको फिनिश करूं और इधर आके 3D में मैं इसको चेक करूं, जूम करके आपको दिखाऊं, ठीक है, इधर से आप 3D में जा सकते हैं, याद रखिएगा इधर से भी जा सकते हैं और यहाँ पर भी आपके पास एक 3D व्यूज़ का ऑप्शन आ रहा है, आप इस प्लस पे क्लिक करें, यहाँ पे भी डबल क्लिक करके आप जा सकते हैं। अगर मैं ग्राउंड फ्लोर पे हूँ यहाँ पे भी डबल क्लिक करके आ सकता हूँ, सिंपल यहाँ से भी आ सकता हूँ। अच्छा, अब देखें अगर आप यहाँ पे तो इसने जो है दो वॉइड्स जो है मेरे पास वो कट कर दिए क्योंकि मैंने एक बाउंड्री के अंदर कोई दूसरी बाउंड्री क्रिएट की है तो वो उसको वॉइड की सूरत में कट कर देगा। देखें अगर मैं ग्राउंड फ्लोर में आ जाऊं और यहाँ पे आके देखें अगेन मैं एडिट बाउंड्री कर रहा हूँ, एडिट बाउंड्री करने के बाद एक बाउंड्री में बाहर क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब होगा क्या जब मैं इसको फिनिश करूंगा और अब मैं 3D में आके देखता हूँ तो देखें वो इस बाउंड्री से क्योंकि मैंने बाहर बनाया था तो उसने उसको सॉलिड की तरह ही क्रिएट किया और अगर मैं उसके अंदर बनाऊंगा इस वाली बाउंड्री के अंदर तो वो उसको वॉइड की सूरत में काट देगा। तो अगर आपने कोई अपना वॉइड कट करना है अपने फ्लोर में तो आप इस तरह से कट कर सकते हैं और अगर आपने कोई मजीद फ्लोर ऐड करना है तो आप इसके एडिट बाउंड्री में भी जाके कर सकते हैं अगर आपको इसी का हिस्सा बनाना है उस फ्लोर को, तो वरना आप इसको डिलीट कर दें यहाँ से और सिंपल यहाँ से आके फ्लोर का ऑप्शन लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपकी टाइप्स देखें टॉप पर आ रही हैं सारी,
ठीक है, आपको जो भी सिलेक्ट करना है, मैं यहाँ से 9 इंच वाला एक फ्लोर ले लेता हूँ और सिंपल यहाँ से आके एक दूसरा फ्लोर भी मैं यहाँ से क्रिएट कर सकता हूँ। अब ये मेरा अलग बना हुआ है और ये वाला फ्लोर मेरा अलग क्रिएट हुआ हुआ है। तो इस तरह जो है वो आप अपने फ्लोर को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक सिंपल एक छोटा सा फ्लोर बना लेता हूँ, ठीक है, मैं 10 फिट बाई 10 फिट का फ्लोर बना लेता हूँ। याद रखिएगा, आप पहले यहाँ पे बता दें इसको कि किस लेवल पे आपने क्रिएट करना है, चाहे तो आप बाद में भी बता सकते हैं कि आपने किस लेवल पे अपने फ्लोर को क्रिएट करना है। ठीक है, मैं 10 फिट बाई 10 फिट का यहाँ पे एक फ्लोर क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब इसमें मैं एक वॉल ले लेता हूँ। देखें, वॉल मेरे पास जो है यहाँ पर मेरी पुरानी एक मैंने लास्ट क्लास में जो क्रिएट की थी वॉल 7 इंच वाली, वो यहाँ पर मेरे पास बनी हुई है। देखें, इसमें वही मसला आ रहा है कि मैं जितनी वॉल्स बनाता जाऊँगा वो यहाँ पे, अगर मैं मिसाल के तौर पे वॉल 7 इंच रखता हूँ किसी का नाम, मैं किसी को मैसनरी वॉल 7 इंच कर देता हूँ, तो वो मुझे ढूंढनी पड़ेंगी अपनी सारी टाइप्स कि मेरी टाइप इन सब के बीच में कहाँ है। तो इसका आसान तरीका यह है कि आप इसको सिंपल जो भी अपनी टाइप क्रिएट कर रहे हैं उसके साथ स्टार्ट में 1- करके इस तरह से अपनी कोई भी टाइप जो बना रहे हैं उसको क्रिएट कर लें, ताकि इजीली आपको अपनी जो टाइप्स हैं वो टॉप पर नज़र आ रही हो, बाकी इसकी जो है वो नीचे आपको सारी शो होती रहे। ठीक है, अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक टाइप डुप्लीकेट कर रहा हूँ 1- वॉल 6 इंचज़ की। ठीक है, अब देखिए मेरी दोनों टाइप्स ऊपर आ जाएंगी और यहाँ से आके मैं 6 इंच की वॉल ले लेता हूँ। ठीक है, मैं ओके करता हूँ, यहाँ से आके ओके करता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर मेरी वॉल सेलेक्ट हुई हुई है 6 इंच की, लोकेशन लाइन मैंने सेंटर लाइन पे ली हुई है, मैं इसका जो बेस कांस्टेंट है मैंने वो ग्राउंड फ्लोर और टॉप जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे सेलेक्ट किया हुआ है। अच्छा, मैं बेसिकली यहाँ पे आपको लोकेशन लाइन बताना चाह रहा हूँ कि लोकेशन लाइन देखें किस तरह से हमें गाइड करती है कि हमारी वॉल किस पोजिशन पर चल रही है। अब मैं यहाँ पर अगर एक वॉल क्रिएट कर लूँ, देखें अब जब मैं वॉल बनाने लगता हूँ अपनी 6 इंच वाली, क्योंकि मैंने अपनी लोकेशन लाइन जो है वो सेंटर लाइन सेलेक्ट की हुई है यहाँ पे, देखिए मुझे जो यहाँ पर सियान में लाइन नज़र आ रही है वॉल के साथ, सियान में जो डॉटेड लाइन नज़र आ रही है आपको, अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो वो भी देखें आपको वो सेंटर में दिखा रहा है। अब हो क्या रहा है कि जब मैं फ्लोर के ऊपर इसको क्रिएट कर रहा हूँ तो वो आधी वॉल मेरी बाहर चला रहा है फ्लोर से और आधी अंदर चला रहा है। वो बेसिकली इस वक्त इसने जो है लोकेशन लाइन को सेंटर लाइन पर लिया हुआ है। तो अब आपको ईजिली समझ आ रहा होगा कि लोकेशन लाइन हमें किस तरह से गाइड कर रही होती है। ठीक है, मैं यहाँ से आके फिनिश फेस एक्सटीरियर पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब देखें अब क्या करेगी, अब जब मैं अपना जो है वॉल क्रिएट करता हूँ तो मेरा, अगर आप ये सियान लाइन देखें यहाँ पे, तो वो जो है टॉप पे चली गई है, फिनिश फेस एक्सटीरियर जो है वो मेरा बिल्कुल जो है फिनिश हो चुका है और जितना भी मार्जिन है वॉल का वो इनसाइड आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से अब आप देखें आपकी जो वॉल है वो फ्लोर के अंदर ही बन रही है इजीली। अगर मैं इसका जो है फेस वो इनसाइड कर लूँ, मतलब फिनिश फेस इंटीरियर कर लूँ, तो अब अगर देखें, अब अगर मैं चलाता हूँ तो मेरे इंटीरियर फेस जो है वो बिल्कुल फिनिश है और सारा मार्जिन मेरा एक्सटीरियर की तरफ लेके जा चुका है वो। तो इस तरह से जो है वो आप अपना जो भी फिनिश फेस सेलेक्ट करना चाहते हैं वो इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो वॉल सेंटर लाइन ले सकते हैं। वॉल सेंटर लाइन बेसिकली तब हम यूज़ कर रहे होते हैं ज़्यादातर जब हम इंटीरियर वॉल्स बना रहे होते हैं और दो रूम्स के बीच जो है हमें सेम मार्जिन रखना होता है, तो आधा मार्जिन जो है हम इस रूम में लेते हैं, आधा इधर लेते हैं, तो हम सेंटर लाइन से क्रिएट कर लेते हैं। बाहर की जो वॉल्स हम चला रहे होते हैं उमूमन वो एक्सटीरियर और इंटीरियर फेस लेके चला रहे होते हैं। अच्छा, अगर आप चाहें तो यहाँ पे इस तरह से भी मैं एक आपको मैं छोटी सी जो है वो की बता रहा हूँ। बेसिकली होगा क्या कि आप कोई भी यहाँ से एक फेस ले लें, फिनिश फेस एक्सटीरियर या इंटीरियर, अगर आप इसको देखें क्रिएट करना शुरू करते हैं, मैंने क्योंकि एक्सटीरियर फेस लिया हुआ है तो मेरी वॉल का मार्जिन सारा इनसाइड है। अगर देखें मैं इसको उल्टा चलाऊंगा यहाँ से, तो देखें उसने मेरा फिनिश फेस एक्सटीरियर रहते हुए उस वॉल का जो सारा ऑफसेट है वो बाहर की तरफ ही लिया हुआ है, क्योंकि मैं इसको रिवर्स चला रहा हूँ। अब अगर इस तरह की आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही हो और आपने जो है अपनी वॉल को जो है वो इनसाइड ही रखना हो, तो आपने जस्ट क्या करना है कि आपने स्पेस बार प्रेस करना है, तो देखें वो उस वॉल को फ्लिप कर देगा। अब देखिए मैं बार बार स्पेस बार प्रेस कर रहा हूँ तो वो मेरी वॉल को फ़िलिप करता जा रहा है। अब आप यहाँ से जो भी अपना फिनिश फेस सेलेक्ट करना चाह रहे हैं वो सेलेक्ट कर लें, और अब आपको वॉल जहाँ भी अपनी रखनी है, मिसाल के तौर पे बाहर की तरफ रखनी है तो बाहर रख लें, इनसाइड रखनी है तो इनसाइड रख लें, जस्ट स्पेस बार प्रेस करते जाएंगे तो देखें वो उसको फ़िलिप करता जाएगा। अब मैं नीचे आता हूँ तो देखें यहाँ पर भी स्पेस बार प्रेस करता हूँ तो अब मेरी फ्लोर से बाहर निकल चुकी है वॉल। इस तरह से जो है आप अपने वॉल को जो है बाद में बनाते वक्त भी फ़िलिप कर सकते हैं, चाहें तो वहाँ से अगर आप प्रॉपर बनाना चाह रहे हैं तो इस तरह से अपनी वॉल को प्रॉपर भी बना सकते हैं। अगर मैं यहां से सेंटर लाइन ले लेता हूं और अब अगर मैं अपनी वॉल को फ्लिप करता हूं तो देखें वो कुछ भी जो है काम नहीं कर रहा। उसका रीजन ये है कि वो सेंटर लाइन से उसको फ्लिप किया जा रहा है तो हमें फील नहीं हो रहा, बट वो फ्लिप कर रहा है उस वॉल। ठीक है, तो अब मैं यहां पर एक सिंपल एक बस रूम बना लेता हूं जिसको हम 3D में देख लेते हैं। यहां से मैं रेक्टेंगल ले लेता हूं, फिनिश फेस एक्सटीरियर, और यहां से आके
मैं इसको इधर क्लिक करता हूँ तो ये मेरा यहाँ ग्राउंड टू फर्स्ट जो है वॉल की हाइट है, और यहाँ पर एक मेरा एक ये रूम बन चुका है। अब अगर आप देखें ये बहुत ज़्यादा हाइट हो गई है, अगर मैं थोड़ा छोटा कर लूँ इसको, क्योंकि मैंने अपनी वॉल को कनेक्ट रखा हुआ है फर्स्ट फ्लोर से, तो मुझे कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी वॉल जो है वो मुझे बाद में दोबारा नीचे करनी पड़ेगी। मैं क्योंकि फ्लोर को जो है वो नीचे लेकर आ रहा हूँ, मैं 15 फिट पे ले आता हूँ, तो देखिए वो ऑटोमेटिक जो है मेरी वॉल्स को नीचे लेकर आ गया है, क्योंकि मेरी वॉल सारी जो है वो कनेक्ट थी टॉप से। अब अगर आप देखें तो हमारा ये नीचे फ्लोर भी बन चुका है और साथ साथ उसकी सारी वॉल्स भी क्रिएट हो चुकी हैं। इसी तरह अगर आप चाहें तो इस फ्लोर को फर्स्ट फ्लोर पे भी जाके बना सकते हैं। अगर मैं फर्स्ट फ्लोर पे आ जाऊं और यहाँ पे आके अपना फ्लोर ले लूं और यहाँ पे वही अपनी फ्लोर की टाइप ले लूं 6 इंच वाली, और यहाँ से आके मैं एक रेक्टेंगल इधर से बना लूं, तो देखें जो मेरा फ्लोर है वो फर्स्ट फ्लोर पे भी बन चुका है। अब देखें एक चीज़ ये मुझसे पूछ रहा है लास्ट में, देखें ये मुझसे पूछ रहा है वुड यू लाइक वॉल्स डेट गो अप टू दिस फ्लोर्स लेवल टू अटैच टू इट्स बॉटम। ये बेसिकली मुझसे पूछ ये रहा है कि आपने जो फ्लोर क्रिएट किया है वो भी फर्स्ट फ्लोर पे बना हुआ है और जो वॉल्स हैं आपकी वो भी फर्स्ट फ्लोर तक जा रही हैं, तो वो आपस में क्लैश कर रही हैं, तो क्या आप चाह रहे हैं कि आपकी जो वॉल्स हैं जो फ्लोर में जाके क्लैश कर रही हैं वो फर्स्ट फ्लोर के बॉटम पे जो है वो कनेक्ट हो जाएं? अगर तो मैं यस करूँगा तो वो ऑटोमेटिक कनेक्ट कर देगा, अगर मैं इसको नो करूँ, और अब अगर आपको 3D में आके दिखाऊं तो देखें हो क्या रहा है कि मेरी जो वॉल्स हैं वो फ्लोर में जाके इस तरह से लग रही हैं। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे आपको एलिवेशन में भी दिखा देता हूँ, तो मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आप उसको अटैच कर दीजिएगा ताकि इस तरह से वो क्लैश ना कर रही हो, होगा कुछ भी नहीं। बेसिकली अगर आप इसको फ्लोर को अपने चेंज करते हैं हाइट को, अगर आप 18 फिट कर देते हैं यहाँ से, तो देखें आपकी वॉल्स भी ऊपर मूव हो रही हैं और फ्लोर भी ऊपर मूव हो रहा है, क्योंकि दोनों चीज़ें जो हैं वो लेवल से कनेक्ट हैं। बट होगा क्या कि इस तरह से आपस में क्लैश हो रहा होगा। अब अगर मैं दोबारा से इसको जो है फर्स्ट फ्लोर को क्रिएट कर लूँ, अंडू कर रहा हूँ मैं, दोबारा से फर्स्ट फ्लोर में जा रहा हूँ, इसको मैं दोबारा से फिनिश करता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये मुझसे दोबारा वही पूछ रहा है, मैं यहाँ से इसको यस कर देता हूँ। देखें अब यस कर दूंगा तो होगा क्या कि मेरी जो वॉल्स हैं वो सारी जो हैं वो फर्स्ट फ्लोर के स्लैब से जो हैं वो कनेक्ट हो गई हैं नीचे, अब वो उसमें जाके क्लैश नहीं कर रही, बट ये अभी भी लेवल से कनेक्ट हैं मेरी वॉल्स, क्योंकि जैसे जैसे मेरा फ्लोर मूव होता रहेगा वो लेवल के साथ मूव होगा और साथ साथ मेरी जो हैं वो वॉल्स भी मूव होती रहेंगी। वॉल इस वक्त फ्लोर से अटैच हुई हैं तो वो फ्लोर को फॉलो करती रहेंगी और फ्लोर जो है वो लेवल को फॉलो करता रहेगा, तो आपस में चीज़ें अटैच ही रहेंगी। अब अगर मैं इसकी हाइट चेंज करूँ यहाँ से, तो देखें मैं दोबारा से 18 फिट कर देता हूं, तो देखें मेरी दोबारा से वॉल्स भी ऊपर जा रही हैं और अब हो ये रहा है कि आपस में क्लैश भी नहीं कर रही हैं। तो इस तरह से आप इसको अटैच भी कर सकते हैं चाहें तो, अगर आप नहीं करना चाह रहे तो आप ना करें उसको। बेसिकली वो जो है अपना फ्लोर का जो मार्जिन है, जो भी उसकी थिकनेस है, वो जो लेवल है हमारा, अगर मैं एलिवेशन में दिखाऊँ, देखें मेरा जो लेवल है वो उसका जो टॉप फेस है वो लेवल से अलाइन रखेगा। अब जो भी मार्जिन होगा फ्लोर का वो नीचे ही निकालेगा, क्योंकि हमारा जो ग्राउंड फ्लोर था उसके नीचे कोई वॉल नहीं थी, इसलिए हमें वो इतना फील नहीं हुआ, बट जब हमने फर्स्ट फ्लोर पे अपना स्लैब डाला उसका जो मार्जिन हुआ वो नीचे ही निकालेगा, और नीचे जब निकालेगा तो मेरी वॉल्स भी उसमें आके अटैच होंगी। तो इस तरह से आप उसको चाहें तो अटैच कर लें, ना चाहें तो ना करें, बट फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ेगा, वॉल्स तब भी लेवल्स को फॉलो कर रही होंगी। अगर आप फ्लोर से अटैच कर देंगे तो फ्लोर उस वक्त लेवल को फॉलो कर रहा होगा और वॉल्स जो हैं वो फ्लोर को फॉलो कर रही होंगी, तो आपस में वो अप डाउन होती रहेंगी, तो इसमें कोई इतना मसला नहीं होगा। जो ये आपकी चॉइस है, आप जो भी इसको जिस तरह से भी आप काम करना चाह रहे हैं उसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि आज की क्लास आप लोगों को समझ आई होगी, बहुत इजी क्लास थी, सिंपल क्लास थी, फ्लोर भी आपको समझ आ गया होगा, मैंने जो लोकेशन लाइन आपको समझाई है इसमें वो भी आप लोगों को इजीली समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड आप लोगों का कोई भी अगर सवाल है, अगर आप लोगों को कोई चीज़ नहीं समझ आई या कोई ऐसा ऑप्शन है जो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को लाजमी आंसर करूँगा। इसमें काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने स्किप कर दी हैं, वो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द शॉर्ट क्लिप्स जो हैं वो मैं अपलोड करने वाला हूँ, उसमें इंशाल्लाह मैं सब चीज़ें साथ साथ गाइड करता रहूँगा, क्योंकि अगर मैं वो छोटी छोटी चीज़ें इन क्लासेज में आपको बताऊँगा तो आप लोग कन्फ्यूज़ भी होंगे और क्लास भी हमारी लंबी होगी और आप लोगों को चीज़ें प्रॉपर समझ भी नहीं आएंगी। तो मैं इंशाल्लाह जब आप ये इस चीज़ की प्रैक्टिस कर लेंगे तो साथ साथ मैं वो शॉर्ट क्लिप्स आप लोगों को अपलोड करता रहूँगा, आप लोग उसको भी देखिएगा, उसमें भी मैं सारी चीज़ें आपको डिफाइन करता जाऊँगा, जो जो छोटी छोटी चीज़ें मैं इसमें स्किप करता जा रहा हूँ। तो आई होप कि आज की क्लास भी आप लोगों को पसंद आई होगी, नेक्स्ट क्लास भी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि डोर और विंडोज़ हम किस तरह से लगाते हैं, एक छोटा सा जो है वो मॉडल भी क्रिएट करेंगे, फिर इंशाल्लाह उसके बाद हम देखेंगे कि हम कर्टन वॉल्स किस तरह से क्रिएट करते हैं। वन बाय वन जो है हम चीज़ों को जो है वो डिस्कस करते जाएंगे।
तो आई होप कि क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तमाम दोस्तों के साथ मेरे चैनल के लिंक को शेयर कर लीजिए। थैंक यू।